दोस्तों क्रिकेट में नाम बनाने में कई मैचेस लग जाते हैं, मगर शोहरत की सीढ़ी से गिरने के लिए एक गेंद ही काफी होती है। हम सभी जानते हैं कि स्पोर्ट इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन। आपका नेचुरल टैलेंट कैन ओनली टेक यू सो फार, फिर चाहे आप पिच पे हो या फिर रिंग में, टीम के साथ खेल रहे हो या फिर सोलो, इट्स हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन जो आपको अच्छे प्लेयर से टैलेंटेड और टैलेंटेड से लेजेंडरी प्लेयर बनाता है। बट आपका एक कदम पूरे करियर को बर्बाद करने की ताकत रखता है। क्रिकेट की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें क्रिकेट लाइन गुरु चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें जिससे आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर क्विक अपडेट्स। हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रिकेट लाइन गुरु। दोस्तों आज के न्यूज जंक्शन में हम बात करेंगे न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज डेरिल डफी के बारे में, जो क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर से लेकर द वॉल ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम राहुल द्रविड़ तक सभी को अपनी गेंदबाजी से परेशानी में डालते रहे हैं। बट समहाउ मैच फिक्सिंग, ऑब्जेक्शनेबल वीडियोस, ड्रिंक एंड ड्राइव जैसी हरकतों ने उनके शानदार चल रहे करियर पर ब्रेक लगा दिया। यूं तो न्यूजीलैंड की क्रिकेट हिस्ट्री में कई ऐसे पेसर्स देखने को मिले हैं जो बेहद टैलेंटेड थे, बट इंटरनेशनल करियर की उड़ान ज्यादा लंबी नहीं थी। ऐसे ही एक फास्ट बॉलर थे डेरिल डफी, जिनका जन्म 11 जून 1978 को ओटागो में हुआ था। 43 इयर्स के हो चुके टफी ने न्यूजीलैंड के लिए 26 टेस्ट, 94 वनडे और 3 T20 मैचेस खेले हैं। इनके नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 191 विकेट्स दर्ज हैं। आपको बता दें कि डेरिल अपने टाइम पीरियड में सबसे इकोनॉमिकल बॉलर के रूप में मशहूर थे, जिन्होंने अपने करियर में सबसे ज्यादा इंडियन टीम को परेशान किया था। डेरिल डफी न्यूजीलैंड के न्यू बॉल स्पेशलिस्ट थे और उनकी लाइन लेंथ बेहद उम्दा थी। टफी ने 26 टेस्ट मैचेस में 77 विकेट और 94 वनडे में 110 विकेट अपने नाम किए थे, जिसमें कि सबसे ज्यादा विकेट्स उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के खिलाफ लिए थे। टफी ने पाकिस्तान के खिलाफ 32 वनडे विकेट अपने नाम किए थे, तो वहीं इंडिया के खिलाफ उन्होंने 24 विकेट चटकाए थे। ऑन द अदर हैंड टेस्ट फॉर्मेट में तो उन्होंने इंडिया के खिलाफ 4 मैचेस में 21 विकेट लिए थे, जिसमें राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर जैसे दमदार बल्लेबाजों के विकेट शामिल हैं। बट कहते हैं ना कि बुरा वक्त बता के नहीं आता है। किसे पता था कि मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर के तौर पर जाने जाने वाले डेरिल टफी 2005 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक ही ओवर में कुल 14 गेंद फेंकेंगे। ऑकलैंड में खेले गए थर्ड ओडीआई में टफी की लाइन लेंथ ऐसी बिगड़ी कि उन्होंने ओवर की पहली बॉल डालने से पहले ही 14 रन दे दिए थे और वो मैच ऑस्ट्रेलिया ने 86 रन से जीता था। इसके बाद इसी साल 2005 में उनका एक सेक्स स्कैंडल भी सामने आया था। ब्रिटेन के दो टूरिस्ट ने उनके सेक्स टेप बना दिए थे, जिसे क्राइस्टचर्च के एक पब में टेलीकास्ट किया गया था। इसके बाद न्यूजीलैंड ने उन पर $1,000 का जुर्माना ठोका था। दो साल बाद 2007 में एक बार फिर टफी सुर्खियों में आए थे। इस बार वो ऑकलैंड में शराब पीकर गाड़ी चलाते पकड़े गए थे। अब इस बात से शायद सभी लोग थोड़ा आगे बढ़े होंगे कि टफी पर इंडियन क्रिकेट लीग ICL में चंडीगढ़ लायंस के लिए खेलते हुए मैच फिक्सिंग के आरोप भी लगे थे, जिसके बाद डेरिल टफी के तेज तर्रार इंटरनेशनल बॉलिंग करियर पर ब्रेक लग गया था। अब भाई लोग ना जाने ऐसे कितने ही प्लेयर्स रहे होंगे जिनका जगमगाता करियर कुछ गलत स्टेप्स के चलते खत्म हुआ है। अगर आप ऐसे ही कंट्रोवर्शियल प्लेयर्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे एक और ताजी खबर के साथ। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट लाइन गुरु। क्रिकेट की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें क्रिकेट लाइन गुरु चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें जिससे आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर क्विक अपडेट्स।